हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, फूड पंडा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो चाइनीज रेसिपी लेके आई हूँ। दोनों बहुत ही अच्छे और मज़ेदार हैं। और एक का नाम है वेज मंचूरियन और दूसरा है मानचाव सूप। सबसे पहले हम लोग वेज मंचूरियन की तैयारी करते हैं। मैंने एक बाउल में कटे हुए शिमला मिर्च, थोड़े से 1.5 चम्मच कटे हुए पत्ता गोभी और गाजर को लिया है। शिमला मिर्च ऑप्शनल है, आप नहीं भी ले सकते हैं। मेन इसमें पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने पत्ता गोभी और गाजर को लिया है। इसके बाद मैंने 2 चम्मच भरकर मैदा के लिए थे और 1.5 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर के लिए है। कॉर्नफ्लावर और मैदा मिला के लेने से ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा बनता है फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने इसमें चिली सॉस लगभग 1/2 चम्मच के डाला है और मैं 1 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ। आप चिली सॉस और सोया सॉस की मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं चीज के हिसाब से, जितनी आपकी सामग्री हो उस हिसाब से। अब मैंने इसमें कूटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया है और अब इसमें नमक मिलाएंगे हम लोग। नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैं मिलाऊंगी। कश्मीरी लाल मिर्च भी ऑप्शनल है क्योंकि इसमें हम लोग ग्रीन चिली भी मिलाएंगे, इसलिए आपको मन हो तो कश्मीरी लाल चिली मिलाएं, अन्यथा बच्चे हैं। अब मैंने इसमें थोड़े से गोल मिर्च के पिसे हुए पाउडर को डाला है। अभी मैंने सब चीज़ को मिला दिया, आप देखिए मैंने थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर को डाला है। मुझे थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस कम लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़े से ग्रीन चिली सॉस को और डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से मसलते हुए मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें काटने सारे वेजिटेबल्स को काटने के पहले ही धो लीजिएगा, वरना बाद में धोने से यह बहुत पानी हो जाता है और इसमें फिर बहुत सारा मैदा और कॉर्नफ्लावर लगता है, जिससे कि हमारे वेज मंचूरियन तलने के बाद बहुत ही स्टिफ हो जाते हैं। इसके फ्रेंड्स, जितने भी वेजिटेबल्स हो आप पहले सभी को अच्छे से धो लीजिएगा, उसके बाद आप चौपराइज कीजिएगा या फिर पत्ते पत्ते हाथ से काटेंगे, लेकिन इसे पहले अच्छे से आप धो लेंगे। देखिए मेरी थी सामग्री मिल चुकी है, मैंने इसे साइड में करके अब मैं इसे तलने के लिए गैस पर अपने कढ़ाई को रखूंगी और फिर मैं इसमें मंचूरियन। फ्रेंड्स, अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अब मैं इसे इसमें बॉल्स डाल के इसे फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, देखिए मैंने कुकिंग ऑयल डाल के कढ़ाई को मैं फ्लेम को ऑन कर दिया है। दोस्तों, चाइनीज रेसिपी का एक असूल है, हमें जो भी फ्राई करना है या बनाना है वो हाई फ्लेम पर बनाना है, जिसमें कि उसका क्रंचीनेस बना रहे। इसलिए मैंने ऑयल को तो लगभग पूरी तरह गर्म करके लगभग मीडियम फ्लेम पर रख के उसे फ्राई किया है, इसलिए आप भी वैसा ही करेंगे। दोस्तों, चाइनीज कुकिंग हमेशा हाई फ्लेम पर होती है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और मैंने उसमें कुकिंग ऑयल डाल करके मैं एक एक करके सारे मंचूरियन बॉल्स को तल के निकालूंगी। देखिए फ्लेम हमें इस समय मैंने हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया था, फिर मैं मीडियम करके इसे इसमें सारे मंचूरियन बॉल्स को एक एक करके तलूंगी, जिससे कि हमारे मंचूरियन बॉल्स अंदर तक पूरी तरह पक जाएं, अंदर से कच्चे नहीं रहे। फ्रेंड्स, देखिए मैंने मंचूरियन बॉल्स को इसमें डालना शुरू कर दिया है। अगर आपको थोड़ा और चाहिए कड़ा तो आप थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैदा और कॉर्नफ्लावर डालने से फिर इसके अंदर ग्रेवी नहीं जाती है, इसलिए ये ठीक है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसे तलना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी रेसिपी ला सकूं। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली रेसिपी आपको मिल सके।
मैं डेली ब्लॉगर हूँ, मैं डेली एक रेसिपी या दो रेसिपी डालती हूँ, इसलिए जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे न्यू कुकिंग जो भी कुकिंग किए हैं मैंने वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और थम्सअप भी ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। देखिए मेरे बॉल्स एक तरफ से हल्के सुनहरे हो गए हैं, अब मैं इन्हें पलट दूंगी। हमारे बॉल्स सुनहरे होने चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा लाल या जले हुए नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो फिर कलर उतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें इसे पलटते हुए अच्छी तरह से तल के निकाल लेना है। देखिए हम लोग इसे पलट पलट के तल रहे हैं, इसी तरह हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाने पर इसे उतारना होगा। लगभग एक बार बॉल्स को तलने में हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है फ्रेंड्स। इसी तरह हम सारे अधिक बॉल्स को तल के निकाल लेंगे। मैंने पत्ता गोभी और गाजर को चॉपराइज किया है, आप भी चॉपर में डाल के चॉपराइज कर सकते हैं या खूब पतली कटिंग भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसे ग्राइंडर में मत चलाइएगा, नहीं तो बिल्कुल ही ये हलवा के जैसा हो जाएगा और फिर बहुत ही पानी छोड़ देगा। देखिए मैंने अपने सभी बॉल्स को, पहले बैच वाले जितने भी बॉल्स थे मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं इसमें दूसरे बात डालूंगी। दोस्तों यह चाइनीज रेसिपी मेरी बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर घर में पकाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको भी आप बना के दे सकते हैं फ्रेंड्स। केवल फ्राइड राइस बना लीजिए मंचूरियन और सूप के साथ, आपकी कंप्लीट मील पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अब मैंने अपने सेकेंड बैच वाले भी मंचूरियन को डालना स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। इस तरह करके हम सभी मंचूरियंस को डाल के हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें इसे डालते के साथ तुरंत नहीं पलटना है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे बॉल्स छितरा के टूट जाएंगे। हमें जब एक तरफ से ये हल्के ब्राउन हो जाए तब उसके बाद इसमें डालना है फ्रेंड्स। अब हम इसे धीरे से पलटेंगे दोस्तों। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है फ्रेंड तो अगर आप चाइनीज क्यूजिन रख रहे हैं तो केवल आप चाइनीज ही रखेंगे, चाइनीज के साथ मुगलई आप नहीं मिला सकते हैं। अगर आप चाइनीज बना रहे हैं और वेजिटेरियन है तो वेज मंचूरियन है, पनीर चिली पनीर है फ्रेंड्स, फ्राइड राइस वेज फ्राइड राइस बना सकते हैं और सूप मानचाव सूप बना सकते हैं या वेजिटेबल सूप भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपकी कंप्लीट पूरी तरह रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट किसी भी गेस्ट को खिलाने के लिए। हमने दोनों तरफ से बॉल को पलट पलट के तल लिया है फ्रेंड्स।
देखिए दोस्तों, मेरे बॉस सभी लगभग तला चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। देखिए इनमें कितना अच्छा सुनहरा कलर आया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब मैंने अपनी कढ़ाई को चढ़ा के उसमें ऑयल डाल के गरम कर लिया है। इसके बाद हम लोग छोटी छोटी बॉल्स बनाकर इसमें तलेंगे। हम हाथ से ही बॉल्स बनाएंगे और डायरेक्ट कढ़ाई में डालेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई को फिर से गैस पर रख दिया है क्योंकि अब हमें मंचूरियन की ग्रेवी बनानी है।
इसमें मैंने लगभग सारे ऑयल को निकाल दिया था और मैंने लगभग एक चम्मच ही ऑयल इसमें छोड़ा है। इसमें ग्रेवी के लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। हमें अच्छे तरह से बर्तन को गर्म कर लेना है। ऑयल जिसमें हमने डाला है, अब मैं इसमें कटे हुए प्याज, अदरक लहसुन कूटे हुए और पत्ता गोभी और शिमला मिर्च सबसे लास्ट में डालिएगा। मेगा करके सभी चीज़ों को डाल दूंगी। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन को डाल के हल्का फ्राई कर लिया है। प्लीज दोस्तों अदरक लहसुन को लाल नहीं होने दीजिएगा, वरना इसमें जलने की बदबू आ जाएगी। इसे बस हमें हल्का सा सोते करना है। अब मैंने इसमें कटे हुए प्याज और पत्ता गोभी को डाल दिया है और गाजर को भी मैंने डाल दिया है। ये टोटल मिला के 1.5 से 2 चम्मच वेजिटेबल्स है। ग्रेवी में क्रंचीनेस के लिए इसे हम लोग डाल रहे हैं। शिमला मिर्च सबसे लास्ट में डालेंगे फ्रेंड्स, जिससे कि शिमला मिर्च क्योंकि बहुत जल्दी पक जाता है और अगर हम लोग पहले डाल देंगे तो उसका क्रंचीनेस खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग शिमला मिर्च को सबसे लास्ट में डालेंगे। देखिए मैंने शिमला मिर्च को भी डाल दिया है। शिमला मिर्च को मैंने डाल दिया है दोस्तों। अब मैंने ऊपर से सभी कुछ डाल के अब मैं इन्हें अच्छे से मिला लूंगी फ्रेंड्स। देखिए मैंने सभी को अच्छे तरह से मिला लिया है। अब मैं हमारे सारे वेजिटेबल्स थोड़े थोड़े सोते हो गए हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसमें अपने घोले हुए कॉर्नफ्लावर को डालूंगी। देखिए शिमला मिर्च मैंने अभी डाला है क्योंकि शिमला मिर्च पहले डालने से इसके क्रंचीनेस खत्म हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसके शिमला मिर्च को मैंने अभी डाला है। अब मैंने इसमें अपने घोले हुए कॉर्नफ्लावर को मिला दिया है। मैंने लगभग 2 टीस्पून घोला है फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाना है, नहीं तो कॉर्नफ्लावर कढ़ाई में बैठ जाएंगे फ्रेंड्स। आप प्लीज़ थोड़े बड़े बर्तन में कॉर्नफ्लावर घोलेंगे और पानी की मात्रा भी ठीक से डालेंगे। देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर के घोल को डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिलाते हुए चलाऊंगी जिसमें कहीं भी हमारे ग्रेवी में लम्प्स नहीं आए। देखिए अब मैं इसमें एक एक करके अपने बाकी बचे हुए सामान को भी डाल दूंगी। सबसे पहले मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। सोया सॉस लगभग मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब मैं इसमें चिली सॉस डालूंगी। चिली सॉस भी लगभग मैंने 1 टीस्पून डाला है फ्रेंड्स। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हम लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे जिसमें कि सोया सॉस और चिली सॉस मिल जाए। मुझे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी क्योंकि ग्रेवी अभी थोड़ी और बॉयल होगी, उसके बाद ग्रेवी और भी गाढ़ी होगी, इसलिए मैंने थोड़े से पानी को और भी मिलाया है फ्रेंड्स। मैंने एक एक करके आपको सभी बारीकियों के साथ इसे बताया है फ्रेंड्स। अब देखिए ग्रेवी में थोड़ा उबाल आ रही है,
अब मैं इसमें कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से हमारी ग्रेवी तीखी भी नहीं होगी और उसमें एक सुंदर सा लाल रंग भी आएगा। फ्रेंड्स देखिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च को डाल दिया है। अब मैंने इसमें लगभग एक टीस्पून नमक के डाला है। आप टेस्ट करके नमक को भी देख लेंगे। मुझे थोड़ा नमक कम लगा था इसलिए बाद में मैंने थोड़ा सा और नमक ऐड किया था। इसमें थोड़े से मैंने लगभग हाफ टी स्पून चीनी के भी अभी डालूंगी क्योंकि चीनी बैलेंस करता है सारे फ्लेवर्स को। देखिए मैंने हाफ टी स्पून चीनी का डाला है क्योंकि चीनी सभी फ्लेवर को बैलेंस करता है। इसे आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल हाफ टी स्पून डालेंगे। फ्रेंड देखिए मैंने एक एक करके सारे बॉल्स को वापस ग्रेवी में डाल दिया है और अब मैं इसे ग्रेवी में डालकर बॉयल करूंगी। फ्रेंड्स मेरे सारे वेजिटेबल्स देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसमें ऊपर से सिरका में डले हुए कटे हुए हरे मिर्च को भी डाल सकते हैं। फ्रेंड एज यू विश, क्योंकि इसे बच्चे भी खाएंगे इसलिए मैंने ऊपर से नहीं डाला है। आप चाहे तो ऊपर से डाल सकती हैं। दोस्तों देखिए मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और मेरी ग्रेवी में अब काफ़ी बाल आ रहा है। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से आप ग्रेवी को कम या ज़्यादा कर लें। मैंने ग्रेवी को थोड़ा कम किया है। इस तरह करके मेरे सारे, देखिए फ्रेंड्स मैंने कहा था ना आपसे मुझे थोड़े नमक कम लगे थे इसलिए मैंने दोबारा ऊपर में ठीक फिर से नमक डाला है। नमक आप टेस्ट करके धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि चिली सॉस और सोयाबीन सॉस में ऑलरेडी नमक होता है और कोफ्ते में भी हमने नमक डाले हैं, इसलिए आप पहले टेस्ट कर लेंगे उसके हिसाब से ही आप नमक डालेंगे। अब मैंने इसमें कटी हुई धनिया पत्ती और थोड़े से कटे हुए प्याज के पत्ते डाल दिए इससे और हम इसे मिलाते हुए इसे उतार लेंगे। हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है और देखिए मेरी मंचूरियन वेज मंचूरियन की ग्रेवी भी तैयार हो गई है और हमारा वेज मंचूरियन भी तैयार हो गया है। प्याज के पत्ते ऊपर से डालने से इसमें क्रंचीनेस और फ्रेशनेस आता है। फ्रेंड अगर अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप धनिया पत्ती की डंडी जो थोड़ी पीछे वाली होती है उसे भी काट के डाल सकते हैं। उसमें बहुत सारा फ्लेवर होता है फ्रेंड, जो जड़ के तुरंत बाद होती है। बीज उसे नहीं फेंकेंगे, उसे सब्जी में या चटनी में इस्तेमाल कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए मेरी मंचूरियन ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। दोस्तों मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो वो भी मुझे बताएंगे फ्रेंड कि आपको मेरे रेसिपी में क्या कमी है। प्लीज मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। दोस्तों देखिए मैंने ऊपर से इसमें थोड़े से ब्लैक पेपर को भी डाला। ब्लैक पेपर डालने से इसमें बहुत ही अच्छी एक टेस्ट आ जाती है फ्रेंड्स। इसे ब्लैक पेपर आप जब भी डालेंगे उतारते समय डालेंगे। हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे उतार लूँगी। दोस्तों अब मैं वेज मानचाव सूप बनाऊंगी। ये भी बहुत इजी है दोस्तों। इसके लिए भी मैंने कतरे हुए कैबेज को लिया हुआ है। कैबेज मैंने बहुत ही छोटे छोटे करके चौपराइज कर लिया था। मैंने कैबेज लिया है, मैंने कैरेट लिया है, आप भी दोनों चीज़ ले लें। मैंने एक पोर्शन के लिए बनाया है, अगर आप ज़्यादा के लिए बना रही हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले लें। मैंने लगभग 2 स्पून कैबेज के लिए है और 1 टीस्पून लगभग मैंने कैरेट के लिए है। मैंने पहले ही बताया है कि मैं एक पोर्शन के लिए एक आदमी के लिए बना रही हूँ, इसलिए अगर आप ज़्यादा के लिए बना रही हैं तो थोड़ा सा उसमें वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा देंगे फ्रेंड्स। वैसे इस जो रेसिपी मैंने बताई है उसमें लगभग 2 आदमी
आपके सूप ले सकते हैं। अब मैंने इसमें कूटे हुए अदरक और लहसुन के पेस्ट को डाला। आप कटे हुए भी अदरक लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हल्का सा कूट दिया था जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छी तरह आ सके फ्रेंड्स। और अब मैंने इसमें एक एक करके सभी वेजिटेबल्स को डाल दिया। अब मैंने इसमें देखिए चिली को भी डाला है और साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्च को भी डाल दिया है। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जिसमें कि हमारे वेजिटेबल्स जले नहीं, क्योंकि फ्लेम मैंने उसमें नीचे में हाई रखा था। अब मैंने इसमें लगभग 2 टीस्पून घोल के कॉर्नफ्लावर के डाल दिया है। पानी मैंने लगभग 1 गिलास डाला है और अब मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है दोस्तों। और अब मैं इसमें चिली सॉस भी थोड़ा सा डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो टमाटर सॉस डाल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैंने टमाटर सॉस नहीं डाला है। ये वेज मानचाव सूप बहुत ही टेस्टी है दोस्तों और बनाने में टोटल 5 मिनट भी नहीं लगते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास कतरी भी सब्जियां हो तो हार्डली 2 से 3 मिनट बच सकते हैं। जितना देर में हमारे सूप बॉयल होंगे उतना देर में ही बन जाते हैं फ्रेंड्स। क्यों हम लोग बेकार बाहर की इस सूप को ला के और बॉयल करके पिए, घर में ताज़ी कटी सब्जियां लें और तुरंत ही तुरंत बनाएं। इसमें आप आपकी जो भी इच्छा हो, कॉर्न डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। मैंने वो उन सब चीज़ों को नहीं डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारी सूप अब बॉयल होगी। इसमें भी मैंने धनिया पत्ती और प्याज के कतरे हुए पत्ते ऊपर से डाल दिए हैं और हम इसे बॉयल होने पर उतार लेंगे। मैंने इसमें ऊपर से नमक डाला है फ्रेंड्स। इसमें भी मैं कूटी हुई काली मिर्च डालूंगी दोस्तों, क्योंकि काली मिर्च से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चाइनीज डिश में। देखिए हमारी पूरी तरह से सूप तैयार हो गई है। अब हम इसे बाउल में डाल के सर्व करेंगे फ्रेंड्स। कितनी जल्दी बन गई और कितनी ईजी है दोस्तों। प्लीज दोस्तों आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फ्रेंड्स मेरे दोनों रेसिपी बॉल्स में डाल के सर्व करने के लिए तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं।